और गुमराह करने के लिए कहते हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। मैं यहाँ खड़ा हूँ, इस मंच से खड़ा होकर के बोलता हूँ, सरकार को चैलेंज करता हूँ, है तुम्हारी कुवत, फाइल करो चार्जशीट, जेल में डालो, फांसी पे लटका दो। लेकिन इसके नाम पर जो तुम जेएनयू के विद्यार्थियों को बदनाम कर रहे हो, इस बदनामी की साजिश को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आपके टैक्स के पैसे से जेएनयू के स्टूडेंट मौज उड़ा रहे हैं। तो मैं देश के प्रिय टैक्स पेयर्स को कहना चाहता हूं कि हमारे ऊपर तो 10-20 करोड़ खर्च किया जाता है, प्रधानमंत्री जी की यात्रा पे 255 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। हम आपके पैसे पे और जेएनयू के स्टूडेंट आपके पैसे पे अय्याशी नहीं कर रहे हैं। आपके पैसे पे अगर कोई अय्याशी कर रहा है तो वो इंसान है जिसको आप अपना प्रतिनिधि चुन करके इस देश की संसद में बिठाते हैं, वो आपके पैसे पे अय्याशी कर रहा है। आप देखिए कि टैक्स पेयर के पैसे से यूनिवर्सिटी नहीं चलनी चाहिए, लेकिन टैक्स पेयर के पैसे से गुजरात के मुख्यमंत्री के लिए 192 करोड़ का प्राइवेट जेट जरूर खरीदा जाना चाहिए। अभी हरियाणा की सरकार ने कहा कि जो हरियाणा के विधायक हैं उनको 20,000 रुपया अलग से दिया जाएगा बिजली बिल देने के लिए, हमसे अलग से पैसा लिया जाएगा बिजली बिल को वसूल करने के लिए। विधायक जी करोड़पति हैं, अरबपति हैं, उनको फ्री में रहने के लिए घर मिलेगा, लेकिन स्टूडेंट को फ्री में रहने के लिए हॉस्टल नहीं मिलेगा। ये मानसिकता क्या है, इस मानसिकता को समझिए। और ये जो आपकी मूल लड़ाई है, उस मूल लड़ाई को बार बार गुमराह करने के लिए कहते हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। मैं यहाँ खड़ा हूँ, इस मंच से खड़ा होकर के बोलता हूँ, सरकार को चैलेंज करता हूँ, है तुम्हारी कुवत, फाइल करो चार्जशीट, जेल में डालो, फांसी पे लटका दो। लेकिन इसके नाम पर जो तुम जेएनयू के विद्यार्थियों को बदनाम कर रहे हो, इस बदनामी की साजिश को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि हम तुमको बता देना चाहते हैं कि अरे अब हम तो अभी पढ़ करके जेएनयू से निकल गए, हमसे पहले कितने आए जेएनयू में पढ़े और जेएनयू का नाम रोशन कर रहे हैं। आप जानबूझ करके हमको और हमारे जैसे लोगों को एक बैड एग्जाम्पल की तरह, एक सिंबोलिज्म करके इस पूरे के पूरे यूनिवर्सिटी की लेगेसी को आप बदनाम करना चाहते हैं। तो मैं कहता हूं कि मुझसे जेएनयू की पहचान नहीं है, जेएनयू के सहारे मैं खड़ा हूं, जेएनयू के पहचान से मैं चल रहा हूं। अगर आपको जेएनयू की पहचान करनी है तो जेएनयू की पहचान किसी एक घटना से नहीं होगी, उसका 50 साल का जो समाज को कंट्रीब्यूशन है उससे होगा। और उस घटना के संबंध में मैं आपको बता देता हूं, इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि किसी विधवा महिला को जब समाज में बुरी नजर से देखा जाता है, जब उस पे उसके साथ बदतमीजी करने का प्रयास किया जाता है, अगर महिला उसको चुपचाप बर्दाश्त कर लेती है तो वो बहुत सती सावित्री हो जाती है। अगर महिला उसका प्रतिकार कर देती है, उसका विरोध कर देती है, तो उसको बदचलन करना शुरू कर देते हैं। आप जेएनयू के विद्यार्थी हैं, आप में वो कुवत है कि आप सही को सही और गलत को गलत बोलते हैं। जेएनयू की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जेएनयू आपको सिर्फ सवाल का जवाब देने के लिए नहीं सिखाता है, आज जेएनयू आपको सवाल के जवाब के उस जवाब पर भी सवाल करना सिखाता है। ये जेएनयू की ताकत है। और इस ताकत के चलते ही सरकार ये चाहती है कि अगर इसको साध लिया जाए, वो कहते हैं ना एक कई साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, उनको लगता है कि जेएनयू को अगर हम साध लिए, जेएनयू को अगर हम जियो मॉडल का यूनिवर्सिटी बनाने में कामयाब हो गए, तो बाकी यूनिवर्सिटी की हालत तो आप जानते हैं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।